कहिए, कैसे हैं आप? आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या डिस्कस करूं, तो मैं गेट के पास खड़ी होके और मिट्टी के बर्तन में चिड़िया के लिए पानी रख रही थी, जैसे मैं हमेशा रखती हूँ, तो रख रही थी। और मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या चीज आपसे डिस्कस करूं, तो इतने में एक लेडी हाथ में कटोरी में दूध लेके आ गई और वो बोली कि क्या आपने यहाँ पे किसी ब्लैक डॉगी को देखा है? तो क्योंकि मैंने नहीं देखा था, मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो कहती अच्छा, तो मैं भी उसके साथ साथ देखने लगी, शायद मुझे दिख जाए। तो मुझे भी नहीं दिखा, पर हम जब देख रहे थे तो एक व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का डॉगी वहां से जा रहा था। तो हमारी बात सुन वो भी रुक गया वहां पे। तो मैंने कहा अरे आप इसी को दे दीजिए, ये इस डॉगी को। तो बोली नहीं, पंडित जी ने बोला है कि सिर्फ ब्लैक वाले को ही देना है और किसी को नहीं देना। मैंने कहा ठीक है। बहुत देर तक वो भी लेडी खड़ी रही, डॉगी भी खड़ा रहा, पर ना उस लेडी ने उसको दिया और उसकी ब्लैक डॉगी आया नहीं और वो लेडी वापस चली गई। वैसे मैं ये तो नहीं जानती कि किस दिन किस कलर के डॉगी को क्या चीज देनी चाहिए या किस पक्षी को क्या चीज देनी चाहिए, पर इतना जरूर जानती हूँ कि चाहे दिन हो चाहे रात, सुबह हो चाहे शाम, एनिमल्स की, पशु पक्षियों की मदद करके हमेशा ही अच्छा लगता है, हमेशा ही अच्छा लगता है। चाहे मैं चिड़िया चिड़िया के लिए हम पानी रखें, कितना लेते हैं, दाने दाने खाते हैं, ये छोटी सी चोच होती है इनकी, छोटा सा पेट होता है इनका, इनकी मदद करके दिक्कत क्या होती है? मतलब जो बोला गया है पंडित जी ने, जो बताया है, उसकी भी मदद करिए, वो भी जरूरी होता होगा शायद। पर अगर नहीं भी बोला तो भी पशु पक्षियों की मदद करने में, गाय को चारा खिलाने में दिक्कत क्या है? मेरी एक फ्रेंड है, गुड़गांवा में रहती है, वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है। जब भी अपने ऑफिस जाती है, घर से ऑफिस के बीच में, उनको कोई भी जो ऐसे डॉगी दिखता है ना बीमार सा, उसकी मदद करती है, उसको अपने साथ घर ले आती है, उसकी देखभाल करती है, जब वो ठीक हो जाता है तो उसको छोड़ती है। और डॉगीज को तो हम कितना पालतू भी रखते हैं और कितना केयरिंग होते हैं, जैसे हम घर आएंगे पूंछ हिलाएगा, हमको प्यार करेगा, मतलब कितना प्यारा इनका संसार होता है। पशु पक्षी पक्षी देख लीजिए कितने प्यारे होते हैं, चाहे तोता हो चाहे मैना हो चाहे चिड़िया हो, छोटी छोटी चिड़िया होती है फुदकती हुई, कितनी प्यारी लगती है। वैसे जब भी जानवरों की या पशु पक्षियों की बात होती है ना, मुझे एक कहानी बहुत याद आती है और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी। तो मुझे लगता है कि आज तो आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि आज टॉपिक ही ये चल गया। तो कहानी कुछ ऐसे है कि दो फ्रेंड्स थी, दो चिड़िया सहेलियां थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही, दोनों बहुत ही सुंदर सुंदर चिड़िया थी। तो एक जंगल में रहती थी। तो एक शिकारी आया एक दिन और उसने एक चिड़िया को पकड़ लिया, एक चिड़िया को वो पकड़ के और अपने साथ ले गया। अब दूसरी अकेली रह गई और पहली वाली चिड़िया जिसको वो पकड़ के लेके गया था उसको अपने पिंजरे में डाल के रख लिया। तो थोड़े दिन बाद वो उसी जंगल में दोबारा जाता है, तो चिड़िया पूछती है उससे कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं तो उसी जंगल में जा रहा हूँ। तो कहती प्लीज मुझे ले चलो। ये चिड़िया बातें करती है होता है ना, कहानियों में सब चलता है। तो बोले कि नहीं, तुमको तो नहीं मैं लेके जाऊंगा। तो बोलती है अच्छा, तुम मैसेज देना तो वो दे दो, वो मैं दे दूंगा। तो बोलती है कि ठीक है, तुम उसको ये बोल देना कि मैं कैद में हूँ, तुम्हारी कैद में हूँ। तो बोलता है हाँ ठीक है। तो वो जंगल में जाता है, वहां पे वो चिड़िया मिलती है बैठी हुई। तो वो एकदम से उसको देख के याद आता है, चिड़िया बोलती है कि मेरी सहेली कैसी है, वो कहाँ है? तो कहता है कि वो तो ना मेरी कैद में है। तो चिड़िया कहती क्या, तुम्हारी कैद में है? वो बहुत ऊंचा उड़ती है, बहुत ऊंचा उड़ती है और एकदम से धाड़ होके जमीन पे गिर जाती है। शिकारी सोचता है कि इसको जरूर शॉक लगा है, जैसे हमारे यहाँ पे हार्ट फेल होता है ऐसे कुछ इसके साथ हुआ है, और इसको हो सकता है वाकई में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो जब भी ऐसा कुछ शॉक लगा उसको। तो वो देखता है कि वो तो मर गई और अपना काम कुम करके वो वापस आ जाता है। शाम को जब घर लौटता है तो चिड़िया उसे पूछती है कि आपने मेरी फ्रेंड को देखा? तो बोलता है हाँ। फिर वो बताता है कि मैंने उसको बताया कि तुम मेरी कैद में हो। तो वो बहुत ऊंचा उड़ी और एकदम से नीचे गिरी और वो मर गई। तो बोलती है ओह ऐसा हुआ? तो बोलता है हाँ ऐसा हुआ। तो वो एकदम से ना उड़ती है, जितना उसका पिंजरा होता है वहां तक तो उड़ती है और पंख फड़फड़ाने लगती है बहुत बुरी तरह, और एकदम से गिर के निढाल हो जाती है, बिल्कुल जैसे मर जाते ना वैसे हो जाती है। तो वो फिर हैरान हो जाता है, कहता है अरे ये क्या हुआ, हो सकता है दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो। जब भी तो उसको शॉक लगा इसका कैद सुन के, और ये भी मर गई उसकी बात सुन के कि वो मर गई। तो वो क्या करता है, इसी सोच में ना वो पिंजरा खोल देता है कि भाई अब इसको रख के मैं क्या करूंगा। तो जैसे ही वो पिंजरा खोलता है उसी समय वो चिड़िया जैसे वो पिंजरा खोलता है उसी समय वो चिड़िया उड़ के भाग जाती है। तो बोलता है अरे ये क्या हुआ, वो हैरान, जैसे आप हैरान हो रहे हैं, मैं भी, कहानी जो मैंने पहली बार सुनी थी मैं भी हैरान हो गई। तो कहते अरे ये क्या हुआ? तो वो कहते कि ये तो आइडिया था। कहते आइडिया, किसका आइडिया? कहते तो मेरी सहेली ने आइडिया दिया था, उसने मतलब ट्रिक बताई थी कि अगर इसकी कैद से निकलना है तो कैसे निकलना है। इतने में वो पहली वाली चिड़िया भी आ जाती है।
दोनों की आपस में ट्रिक होती है, उसने बताया होता है, आइडिया दिया होता है कि पहले ऐसे मरने की एक्टिंग करना तो तुम आजाद हो जाओगे। तो दोनों वो हक्का वक्का रह जाता है, सोचने लग जाता है अरे ये क्या हुआ, और वो दोनों हाथ में हाथ डाल के अपना बाबा करती हुई निकल जाती है। तो देखिए कितना प्यारा इनका छोटा सा संसार होता है, और हमें इनके संसार में हमें रंग भरने चाहिए ना, हमें इनको थोड़ा सा अगर पानी पिला दे या दाना दे दे, दिनों की क्या इंतजार करने की कौन से दिन किसको देना है। तो वैसे आपको आपके बारे में क्या विचार है, हो सकता है मैं ही गलत हूँ कि नहीं देना चाहिए या हर समय ही इन पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए, जरूर बताइएगा। और फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और छोटे छोटे पशु पक्षियों की मदद भी करते रहिए। बाय।